एक्शन में है सीएम विष्णुदेव साय। स्वास्थ्य विभाग की मैराथन बैठक उन्होंने ली और मंत्रालय में 4 घंटे से लगातार ये समीक्षा बैठक जारी है। योजनाओं को लेकर सीएम चर्चा कर रहे हैं, पिछली सरकार के रुके हुए कामों को पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं, सुपेबेड़ा में गंभीरता से मरीजों के हित में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे और उनसे इस बैठक को लेकर अपडेट भी हम ले लेते हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट समीक्षा बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद है। बता दें कि लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई थी, तो एक तरीके से बीजेपी सरकार के लिए इन सेवाओं को दुरुस्त करना चुनौती है। ऐसे में बीजेपी सरकार लगातार जुटी हुई है, चाहे अस्पतालों में दवाओं की किल्लत हो, बेड की कमी या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हो, डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं हो रहा है, डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं, CGMSC में कई तरीके से दवाओं पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इक्विपमेंट पर भ्रष्टाचार हो रहा है और लभी लगातार इस तरीके से जो चीज़ें हैं मामले वो लगातार उजागर होते रहे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक चुनौती हो गई है कि इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से कैसे निपटना है, स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर करना है। जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही थी मंत्री बनने के बाद दवा खरीदी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इसके साथ ही अस्पतालों में कई तरीके से जो अनियमितताएं आ रही थी उसको लेकर, तो इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए जाते रहे, बावजूद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में इसी पर ही मंथन चल रहा है कि किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें, आयुष्मान का योजना का लाभ जो है वो लोगों को 100% मिले, दवाओं की किल्लत लगातार बन रही है उसको दूर किया जाए, अमानक दवाओं की शिकायत आ रही है क्योंकि लगातार देखा गया है कि कई अमानक दवाएं CGMSC द्वारा खरीदी जाती रही है, इससे मरीजों को काफी नुकसान हो रहा है, तो उस दिशा में बेहतर प्रयास के लिए जो है वो निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश जानकारी दे रहे थे। बिलासपुर की बात करेंगे, बिलासपुर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सोसाइटियों को लेकर वो बहुत सख्त नजर आए। उन्होंने कहा है सहकारी समितियों को दो टूक का है कि अमानक बीज सप्लाई पर सख्त कार्रवाई होगी, किसानों को समय पर खाद और बीज देने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। विभाग को पूरा ताकीद किया गया है और उन्हें सूचित किया गया है कि किसी भी प्रकार से उन्हें किसानों को गुणवत्ता युक्त जो है खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए और कहीं भी कोई शिकायत हो तो उसका निराकरण तत्काल किया जाए। इसमें गुणवत्ताहीन जो अमानक खाद या बीज कहीं भी अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बीजेपी ने भी एक समिति बना दी है। इसके संयोजन, इसका जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है, वो मंत्री दयालदास बघेल को बनाया गया है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत 5 सदस्य हैं, मंत्री टंकराम इसमें हैं, शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडेय, रंजना साहू, ये सब समिति सदस्य बनाए गए हैं। आपको बता दें कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय समिति बनाई है जिसने बलौदाबाजार का दौरा किया। बाजार में भी जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। इधर बलौदाबाजार की घटना को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। गृहमंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं, कलेक्टर SP हटा दिए गए, दोनों को सस्पेंड किया गया, इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी है, मैं गृहमंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूं। और ऐसे नहीं पूरे ही जिलों में, क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाए। सभी पहलुओं पर जांच करना है क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, समाज का विषय है नहीं, समाज के लोग प्रतिदिन, प्रमुख लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज का कोई विषय नहीं है, समाज तो संतुष्ट है।
और समाज का सब कुछ कहना है, असामाजिक लोगों ने किया है। अब ये कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं करके, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानकारी होनी चाहिए। इधर कांग्रेस के नेताओं ने बलौदाबाजार का दौरा किया। भूपेश बघेल, दीपक बैज, चरणदास महंत, इन्होंने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का दौरा किया। दीपक बैज ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। 250 लोग कौन है, वो 250 लोगों को किसने बुलाया, वो 250 लोग किससे संबंध रखते हैं और वो कैसे आए, और शासन प्रशासन क्या पता था या नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल। और खाना व टेंट का व्यवस्था आखिर किसने की, हमें तो कुछ स्थानीय लोगों से चर्चा होने के बाद पता चला। और इसके बाद क्या वर्तमान मुद्दों को भटकाने के लिए कई भारतीय जनता पार्टी की साजिश तो नहीं। और नव निर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफा देने से पहले सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा कि बीजेपी में अंदरूनी खींचतान शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल खुद को छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे, लेकिन अब डॉन बिल्ली बन गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को ना गार्ड का ना क्या बोलते हैं घर का इस टाइप का हो गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। तो आप छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में अंबेडकर चौक पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका। एनएसयूआई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। रवि पंडित रविशंकर शुक्ल में BA/LLB छात्रों एग्जाम होता है। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर में जिसका एग्जाम कल का परसों होने वाला रहता है, उस एग्जाम का पेपर को हम लोग आज दे देते हैं। छात्र जब पढ़ते हैं देखते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं। उसके बाद जाते हैं कुलपति के पास, कुलपति जी ने कोई ना जवाब देने के लिए बाहर आए ना कुछ, कुल सचिव जी से आश्वासन देते हैं। कोंडागांव में NH30 पर टायर फटने से बस बेकाबू होकर दुकान में जा घुसी। इस हादसे में 50 यात्री घायल हैं। हादसे की खबर मिलते ही फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को फरसगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार बस रायपुर से जगदलपुर जा रही थी और इस दौरान टायर फट गया, बेकाबू होकर ये दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। और बिलासपुर में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। कार सवार युवकों ने कर्मचारी से मारपीट की है और टोल कर्मचारी मारपीट में घायल हो गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। मस्तूरी के पारा घाट टोल प्लाजा का ये मामला है। बिलासपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने धावा बोला। ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने समेत 9 लाख रुपए का माल उन्होंने पार कर दिया। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर मतलब जहां सारी रिकॉर्डिंग रहती है, वो तोड़ दिया। एक एक दराज की तलाशी ली, पूरे सामान पर हाथ साफ किया। नकली जेवरों को इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। चालाक चोर। घटना चकरभाटा थाना इलाके की। जिस समय चोरी की वारदात हुई उस समय दुकान मालिक और परिवार के सदस्य इसी से सटे दुकान से सटे मकान में सो रहे थे, उन्हें भनक तक नहीं लगी। अभनपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रेत खदान में न्यूज युवक की मौत पर एक्शन लिया गया है। यह न्यूज प्रमुखता से हमने दिखाई थी। 6 रेत माफिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रेत खदान में युवक की मौत हो गई थी चेन माउंटेन मशीन में दबने से। जयवर्धन बघेल, नीलेश राजपूत, विमलेश द्विवेदी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
इधर सुकमा में जवानों ने नक्सलियों से स्नाइपर जैकेट बरामद की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सलियों से स्नाइपर जैकेट बरामद की गई हो। साथ ही डीआरजी कोबरा जवानों ने नक्सलियों का डंप किया हुआ सामान भी बरामद किया है। कंगाल तोंग इलाके में जवानों ने यह कार्रवाई की है। नारायणपुर में आईईडी की चपेट में आने से आईटीबीपी के दो जवान घायल हो गए, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। नारायणपुर में उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला जिले के कोहकामेटा थाना इलाके का है। यह आईडी ब्लास्ट कुतूल और मोहंदी के जंगलों में हुआ है। वहीं बीजापुर में भी एक जवान आईईडी की चपेट में आने से घायल हुआ। घायल डीआरजी जवान का नाम लच्छू कड़ती है। इस जवान का इलाज चल रहा है। नेशनल पार्क एरिया में सर्चिंग के दौरान यह विस्फोट हुआ। इधर गरियाबंद के गोबरा गांव में विधानसभा चुनाव के दौरान हुए नक्सली हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए के अफसर जवानों ने नक्सल एरिया में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। आपको बता दें कि गोबरा में 8 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे के बाद एनआईए ने आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए लोगों द्वारा नक्सलियों को सहयोग करने या उनके नेटवर्क के तौर पर काम करने की बात सामने आ रही है। और धमतरी में चला है निगम का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल ने कब्जा कर रखा था। निगम ने इस बेजा कब्जे को हटाया। लोगों की शिकायत के बाद निगम ने कार्रवाई की है। जगदलपुर डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि जमीन विवाद में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। जब दोनों सगे भाई खेत में काम कर रहे थे तभी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। कुल्हाड़ी चाकू तीर धनुष और फरसे से खेत में दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मारा गया। ये सभी आरोपी एक ही परिवार से हैं। इरकपाल गांव में 11 जून को यह दोहरा हत्याकांड हुआ था। एक एक करके हम लोगों ने शुरुआत में 6 आरोपियों को पकड़ा था और 13 तारीख को उनको न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। इसी मामले में जो अन्य 6 आरोपी जो जिनके बारे में पता चला था वो फरार थे अलग अलग जगहों से, उनकी पता साझी की जा रही थी। इसमें कोतवाली की टीम और साइबर की टीम मिल करके इन लोगों ने एक एक करके आरोपियों को पकड़ा और आज हमारे पास में बाकी के जो 6 आरोपी हैं वो भी हमारी हिरासत में आ गए हैं। इनको भी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। घटना की जो प्रमुख वजह सामने आ रही है वो यही है कि एक ज़मीन को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी पुराना विवाद था और उस वजह से ही एक परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार की हत्या कर दी। इधर दुर्ग में नगर पालिका के सामने लोगों ने पानी और सफाई को लेकर प्रदर्शन किया। गेट के सामने नारेबाजी की, मटके फोड़े, कचरा डाला, गुस्सा जताया। लोगों ने पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से इस्तीफा तक मांग लिया है। आपको बता दें कि जामुल इलाके में लोग लंबे अरसे से पेयजल की सही तरीके से सप्लाई ना होने से परेशान है और उसका इफेक्ट यह हुआ। मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ, सफाई नहीं हो रही तो गंदगी डालकर समझाया गया कि हम कैसे जी रहे हैं वो देख लीजिए। इलाके के हैंडपंप भी सूखे हुए हैं, कुछ हैंडपंप सूखे हुए हैं, पानी तालाब में भी नहीं है। ये तमाम समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। पानी की समस्या मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है, इतना भीषण गर्मी है कि नदी नाले तालाब सब सूख गए। हमने विधायक जी के थ्रू जाके उनके साथ हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, बताया कि पानी की समस्या है। चूंकि बांध में भी पानी नहीं होने के कारण आज हमारे पूरे जामुल नगर के पूरे तालाब सूख गए हैं, वाटर लेवल डाउन हो चुका है। कई बार इसकी शिकायत हम लोगों ने पालिका में ये किया। अभी 3 तारीख को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, उसमें कोई कार्यवाही नहीं है। तो ये सब क्या रुक रहेगा आगे हम लोग ये करेंगे। 7 दिन का हम लोगों ने समय दिया है, साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और यदि 7 दिन के अंदर इसमें यदि कोई इसमें कार्यवाही नहीं होती तो हम तो इसके लिए उग्र आंदोलन और पूरे हम जामुल की जनता आएगी इसमें।
और धमतरी की बात करेंगे। यहाँ यातायात में तैनात आरक्षक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल आरक्षक तरुण साहू को रास्ते में रुपयों से भरा पर्स मिला। तरुण ने यह पर्स थाने में जमा करवा दिया। तरुण ने बताया कि पर्स में नकदी और कुछ कागजात थे। काफी कोशिश के बाद जब पर्स के मालिक से उनका संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने बाकायदा इसे कोतवाली में जमा करवा दिया। तरुण साहू की ईमानदारी की सभी तारीफ कर रहे हैं। घड़ी चौक के पास ड्यूटी कर रहा था तो सामने पेट्रोल पंप के पास इस व्यक्ति का पर्स गिरा रहा होगा जिसे दो लड़के लोग उठा रहे थे। तो मैं दूर से देखा, उसके बाद उनके पास गया, वो लोग भी मेरे पास आए और पर्स को मुझे दिए और बताया कि सर किसी पर्स गिर गया है। तो फिर मैं उस पर्स को चेक किया, उसमें 2320 रुपये निकला और उसमें बहुत सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड था और वोटर आईडी कार्ड था। तो उसके नाम पता चलने से उसमें और तलाशी लिया तो फिर वहाँ से एक नंबर निकला, तो उस नंबर में फ़ोन लगाया तो रॉन्ग नंबर बताए। उसके बाद में बहुत देर तक देख रहा था शायद कोई पता करने आए जिसका भी पर्स हो, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैं वापस धमतरी के थाना कोतवाली में आकर जमा कर दिया। रायपुर में बंद होगा सिटी सेंटर मॉल। ट्रेजर आइलैंड मॉल के काम पर रोक लग रही है। महापौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निगम का 40 करोड़ का टैक्स बकाया है और निगम को टैक्स नहीं मिलने की वजह से नुकसान हो रहा है। महापौर पहुंचे हैं और कहा है कि इस मॉल को तत्काल, इसके काम को फिलहाल इस पर रोक लगाई जाए। माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए थे और उन्होंने हमने निवेदन किया है कि इसमें जो भी आप नियमितीकरण की उन्होंने जो फाइल चली है, नियमितीकरण को लेकर जो बात कही है, उसमें पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। और क्योंकि रायपुर नगर निगम को इसमें 40 करोड़ रुपया मिलना है और सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि महापौर को जानकारी, भैया जब आचार संहिता चलेगी, आचार संहिता के बीच में अगर सब फाइलें चलकर वहां तक पहुंच जाएगी तो हमें कैसे जानकारी महापौर। और अब बात मौसम की। प्रदेश के कई शहरों में आज प्री मॉनसून एक्टिविटी देखने को मिली है। बलरामपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर और पेंड्रा में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। बलरामपुर में जरा देर की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। अंबिकापुर में बारिश से मौसम सुहावना हुआ। पेंड्रा में तेज आंधी चलने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना। सूरजपुर में तेज आंधी बारिश के चलते एक महिला के ऊपर पेड़ गिर गया और उसकी जान चली गई। और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं। गोल्ड स्कीम के नाम पर फ्रॉड करने का आरोप इन पर लगा है। शिकायतकर्ता पृथ्वीराज कोठारी ने ये आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुश्किल में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अलग अलग तरीके के स्कीम्स इन्होंने फ्लोट किए। उस स्कीम्स के तहत ऐसा था कि लोगों को एल्योर किया जाता था, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था ताकि वो सर्टेन एक अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टर हैं जो कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर, उनका नाम है श्री पृथ्वीराज कोठारी जी। 2014 के अंदर, 2014 में 90,38,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और इस स्कीम के तहत उनको 2019 के तहत यानी 5 साल के लिए उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने उनको 5,000 ग्राम यानी 5 kg गोल्ड उनको मिलना था। वो गोल्ड उनको 2019 में भी नहीं मिला। काफी जब जो पीरियड था जब वो खत्म हुआ, उस पीरियड खत्म होने के बाद भी काफी सारे फॉलोअप्स हुए, उनसे बार बार पूछा गया, बस किसी भी तरीके के कोई किसी भी फॉलोअप के हिसाब से कोई पॉजिटिव ऐसा रिजल्ट नहीं आया। जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो एक ही ऑप्शन बचा कि हम इनके साथ पुलिस कंप्लेन करें। स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बीकेसी पुलिस स्टेशन को कि इमीडिएट बेसिस पे आप FIR रजिस्टर करिए, इन्वेस्टिगेट करिए और रिपोर्ट हमें सबमिट करिए। और अब टॉप 20।